हम लोग मुजफ्फरपुर के मेले में आ चुके हैं और आप मुजफ्फरपुर में जैसे सोनपुर में मेला होता है उसी तरीके से मेला, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हेलीपैड है जिसको बच्चा लोग हाथी बोलते हैं, और मुजफ्फरपुर में इन हाथियों का कल रेस होने वाला है। आपको हाथी का रेस आज तक नहीं देखे, उनका दौड़ नहीं देखे, तो आके देख सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये जो हाथी है, इन सब का ट्रेनिंग चल रहा है और जबरदस्त भीड़ लगा हुआ है। ऐसा मेला आपने कभी नहीं देखा होगा। आपको दिखाने की कोशिश करें, ज्यादा पास नहीं जा सकते हम क्योंकि बहुत खतरनाक होता था। एलिफेंट हो, ऐसा एलिफेंट है जो जबरदस्त, ऐसा रेस आपने कभी नहीं देखा होगा। या घोड़ों का रेस और ऊंट का रेस, सबका रेस होने वाला। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितना भीड़ लगा हुआ जबरदस्त है। अगर आप भी बिहार से आसपास से है तो मुजफ्फरपुर आकर इस मेले का आनंद ले सकते हैं। आप देख सकते हैं, देखिए जबरदस्त भीड़ लगा हुआ और बहुत ही खूबसूरत है ये, देख रहे हैं बहुत ही। एलिफेंट का रेस आपने कभी नहीं देखा हुआ, बिहार में पहली बार ऐसा मेला जो जबरदस्त है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से वजन वजन कई टन का हाथी है जो मस्ती करने के लिए एक साथ ग्रुप में है और रेस किया जा रहा है। इन सबका ट्रेनिंग हो रहा है और बताते चले आपको कल इसका रेस है। अगर आप भी मुजफ्फरपुर के आसपास से है तो रेस का मजा ले सकते हैं। अगर आपको रेस पसंद है, अच्छा लगता है, तो आ सकते हैं अपने बच्चों के साथ और दोस्तों के साथ और इस मेला का आयोजन का आनंद ले सकते हैं। बताते चले सोनपुर में जैसा मेला बनता है उसी तर्ज पे मेला है और बहुत बड़ा मेला है। मिथिलांचल में ऐसा मेला आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। मुझे आवाज आवाज साउंड की तरफ साउंड लो सारा, ये अभी का बहुत ही बड़ी अपडेट। मोबाइल बिजी है, एक मोबाइल डेड हो गया है। हम आपको दिखा रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं एक साथ हाथी का जो ट्रेनिंग दिया जा रहा है काफी भयंकर जैसे ट्रेनिंग हो रहा है और कल इनका रेस होने वाला है। और इस रेस में आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के हाथी रेस का आनंद उठाइए। और देखिए आज हम लोग घोड़ा का रेस देखे थे और फिल्म में भी आज तक हाथी का रेस नहीं देखे थे। गिर गया था आरजेडी वाला छोड़ा के भेज दो, आरजेडी गमछा है गाना लगा देवे। सबसे आगे अहिर, यानी समझ सकते अहिर कभी गहिर नहीं होता है, ये रियल का है। पीछे हट, हर दे तभी जीत गया। आखिर का काम सब ना बुझा रहता है सब। हमको 300 रुपए इनाम मिला था, गर्दा मचा दिया था पूरा। देखे देखे बैठे लो, कल भाला का ये नहीं होगा, ताली वाली पीट के नहीं, डंडा फट्टा मारो ऊपर मक्सर रख के कोर्ट में जो भाला वाला चाहिए ऐसे वो नहीं मार सकते, जख्म बना दे भाला मार मार के यार। तो पकड़िए एक बार, इन लोगों को पकड़िए एक बार, छोड़ो वो भी चला देंगे।